पूजनीय भदंत सुगत बोधि महाथेरो भंते जी गुजर गए, कल के दिन गुजर गए, आज उनका अंत्येष्टि। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुदास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। आज का ये धम्म देशना शुरू करते हैं। उपाति आसहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय अवकाशं वद को व्यये सति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्या सहे वेदं मरणंगागतं सदा। उत्पत्ति जब होता है विनाश पीछे 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 आता है, जन्म होते ही मृत्यु भी पीछे 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 लग के आते हैं। कब कहाँ कैसे ये जीवन का अंत होगा किसी को पता नहीं। जिस तरह एक शिकारी शिकार करने के लिए हाथ में धनुष बांध लेते हैं और ऐसे ताक के बैठते हैं, आगे कोई शिकार आया तो उसका शिकार करने के लिए। मृत्यु भी हमें इसी तरह ताक के बैठे हैं। कब कहाँ कैसे ये जीवन का अंत होगा किसी को पता नहीं। हमेशा याद रखना है, सुबह सुबह जब आकाश में सूर्य उत्पन्न होता है ना, इतना ज्वाज्वलमान इतना तेजवान इतना तेज धूप, ऐसा लगता है ये तो हमेशा रहेगा हमेशा हमेशा रहेगा। मगर शाम होते 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 उसका धूप इतना फिर नरम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो सूरज भी दिखना छोड़ जाते हैं। जीवन हमारा ऐसा ही है, कितना भी सुंदर होने दो, कितना भी बलवान होने दो, कितना भी धनवान होने दो, कितना भी विद्वान इंटेलेक्चुअल होने दो, एक दिन सूरज की तरह हमारा तेज कम होके 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 हम भी मरने वाले हैं। आज औरंगाबाद शहर के एक बड़े भंते जी, एक महाथेरु भंते जी, पूजनीय भदंत सुगत बोधि महाथेरु भंते जी गुजर गए, कल के दिन गुजर गए, आज उनका अंत्येष्टि है। आज 1 बजे बुद्ध लेने के तरफ उनका अंत्येष्टि है। अभी ये गए संदेह को ही अपने उपास उपासिकाएं वहां जाके संगदान दे के आए थे। वो भंते जी भी थे, बहुत ही हंसमुख चेहरा, इतना तेज चेहरे पे, ऐसा लगता है कि भंते जी 100 साल तो जिएंगे ही। पर देखो अचानक से खबर आते हैं कि वो भंते जी गुजर गए। आज सुबह सुबह वहां गया,
पंडित जी के लिए मरणानुस्मृति परित्राण पाठ करके आया। पंडित जी लेते हैं, चेहरा वैसा ही है, शरीर वैसा ही है, पर गुजर गए। ये शरीर जब तक जान है तब तक ही काम है, बिना जान के ये शरीर क्या काम। कोई मरने वाले व्यक्ति की लाश को घर में रखेंगे क्या? ये तो मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, मैं साथ में ही रखूंगा करके उससे चिपक के बैठेंगे क्या? नहीं, जब तक जान है तब तक ही है। एक बार जान निकल गया तो ये शरीर अभी एकदम बांस मारना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, कीड़े पड़ना शुरू हो जाएगा, इतनी गंदगी निकलना शुरू हो जाएगा ये शरीर। इसलिए जल्दी जल्दी इसको जल्दी से अंत्येष्टि करना है। देखो ये शरीर, और हम ये शरीर के सुख के लिए, शांति के लिए, स्वार्थ के लिए, मजे के लिए, अरे दुनिया भर के पाप करने के लिए तैयार होते हैं। दुनिया भर के कुछ कसर नहीं छोड़ते, बस फायदा हो रहा है ना, करो करेंगे, पैसा आ रहा है ना, करो करेंगे, मेरे परिवार के लिए अच्छा हो रहा है ना, करेंगे, मुझे मजा आ रहा है ना, करेंगे। दुनिया भर के पाप भी करने के लिए तैयार होते हैं, और एक दिन मरेंगे तो ये शरीर यहीं के यहीं, अपने परिवार यहीं के यहीं, ये धन संपत्ति जिसके लिए दुनिया भर के पाप करके बैठते हैं वो भी यहीं के यहीं। हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा पा रहे? ये शरीर जिसे, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना अच्छे से रखते हैं, कितना भी बुढ़ापा आने दो, हर दिन नहा के अच्छे बन के रखते हैं। ये शरीर भी मेरा 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 मेरा, ये शरीर भी अंततः बेजान होने वाले हैं। कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बनाने वाले, याद करते भी कैसे कैसे होता है। पर सत्य वही है ना, कौन है यहाँ जो हमेशा जीने वाले है? इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, हर किसी को मरना ही है, एक दिन तो मरेंगे ही। यहाँ जो जितने भी लोग बैठे हैं, क्या 50 साल के बाद एक भी दिखाई देने वाले है क्या? चलो छोटा बच्चा भी है, 100 साल बाद एक भी दिखाई देने वाला है क्या? सब के सब मर चुके होंगे। महासंपत्ति संपदा यथा सता मता इदा तथा अहम मरिष्यामी मरणं मम हे सती। तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में मेरे पास इतना धन है, उतना धन है, जिसका लेखा जोखा भी नहीं होता, अनगिनत पैसे के मालक, वो भी हमेशा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा, वो भी हमेशा इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाए, उसको भी मर के जाना पड़ा, तो हमारी क्या बात है? हमें भी एक दिन मरना ही है। और तो ईशकं अनिवर्ततं सततं गमनु सके बुद्धि उद्धि जिना द्वयं खाते सी मरणं खिपं। इस दुनिया में इतने रिद्धिवान, इतने शक्तिवान तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध में कितना शक्ति है पता है? बुद्ध आनंद भिक्षु को अंतिम समय में कहते हैं, हे आनंद, अगर बुद्ध चाहे तो इस दुनिया में अनंत काल तक जी सकते हैं, कल्पों तक जी सकते हैं, कल्पों बोले तो लाखों लाख साल भी, इतना तक भी जी सकते हैं। तो आनंद मंते कहते हैं, भगवान आपको इस दुनिया के लिए जरूरी है, आप जिए ना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, मैंने अभी भी मार्ग को वचन दे दिया, अब
तथागत का वचन जा चुका है। आज से 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन मेरा महापरिनिर्वाण होने वाले है। बुद्ध कहते हैं अनंत काल तक जी सकते हैं जिन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमार्थ पारमिता पूर्ण किया, और दान देना बोले तो एक बार दान दिया बस पूरा हो गया, शील पालन करना बोले तो एक बार शील पालन किया पूरा हो गया, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं होता। अरे दान इतना देते तथागत बुद्ध एक बार कहते हैं, मैंने इतने अपने शरीर का मांस दान दिया है जिसके सामने सुमेरु पर्वत भी कम पड़ेगा, दुनिया में सबसे बड़ा जो पहाड़ है ना वो भी छोटा पड़ेगा। मैंने अपने शरीर से इतना खून दान दिया है, इतना खून दान दिया है कि विशाल समुद्र भी कम पड़ेगा। इतना दान दिया, ऐसा नहीं कि एक बार में थोड़ा सा ही दान दिया। आप लोगों को पता है ना तथागत बुद्ध ने जो पारमिता पूर्ण किया, दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने बुद्ध होने के लिए प्रार्थना किया और यहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना, वहां से यहां तक उन्होंने जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमार्थ पारमिता पूर्ण किया, 4,01,00,000 कल्प तक उन्होंने ये पारमिता पूर्ण किया। 4,00,000,000 जिसका गिनती नहीं, जो हम गिनती कर 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 करके जिसका मतलब शब्द ही नहीं, ऐसे 4,01,00,000 कल्प। और कल्प कितना बड़ा होता है, एक कल्प बुद्धा एक बार कहते हैं 1 योजन बराबर का बड़ा सा एक खड्डा है जिसका चौड़ाई भी 1 योजन और उसका गहराई भी 1 योजन। अब उसमें हम सरसों का दाना डाल देते, सरसों डाल देते, हर एक 100 साल में एक सरसों निकालेंगे फेंक देंगे, हर 100 साल में एक सरसों निकालेंगे फेंक देंगे, तो वो सरसों खत्म होने को कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा? 100 साल में एक सरसों के दाना निकालेंगे फेंकेंगे तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम। बुद्ध कहते हैं वो सरसों का दाना खत्म हो जाएगा मगर कल्प खत्म नहीं होगा, इतना लंबा रहता है। तो इतना तथागत बुद्ध ने पारमिता पूर्ण किया, इतना पारमिता पूर्ण करने के बाद इतना उनमें रिद्धि शक्ति ज्ञान प्रज्ञा सब है, इसके बावजूद भी बुद्ध भी इस दुनिया में 80 साल तक ही जिए, उसके बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ। अब इतने पारमिता पूर्ण करके आए, बुद्ध भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे, तो हमारा क्या औकात है, क्या है, हमें भी मरना ही है। तो बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो, मरना है। याद करने से बहुत सारे फायदा भी है, एक तो मरना है याद करेंगे तो मुंह से जो मर्जी बोल के नहीं बैठेगा, शरीर से जो मर्जी वो काम करके नहीं बैठेगा, मन से भी जो मर्जी वो सोच के नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है मरना है, तो वो गलत क्यों ही बोलेगा, गलत क्यों ही सोचेगा, गलत क्यों ही काम करेगा। दुनिया में जो व्यक्ति मरना है ये बात याद नहीं करते, ऐसे लोग पाप करते हैं, गलत करते हैं, कोई काम ऐसे करते जैसे कि इस दुनिया में हमेशा वो जीने वाले हैं, जैसे कि वो अजर है, अमर है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा जीने वाले जैसे पाप करते हैं। अगर मरना है ये बात याद करेंगे तो कोई भी ऐसे गलत काम करके नहीं बैठेंगे, पाप करके नहीं बैठेंगे। हाँ अभी देखो ना, सुगत बोधि भंते जी गए, गुजर गए ना, अभी
वो गुजर गए करके क्या मेरे पास दान आए हुए पैसा है या मेरे पास पहले से ही वो धन संपत्ति पड़ा है करके कुछ भी लेके जा सकते हैं क्या? कुछ भी लेके नहीं जा सकते। अरे मेरे पास इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, मेरे ऊपर मैत्री करुणा रखने वाले अपने लोग हैं, ऐसा करके कोई भी उनके साथ जा सकते हैं क्या? वो ले जा सकते हैं क्या? नहीं। दूसरा जो सुगत बुद्धि भंते जी इधर उधर चलते थे ना, वो शरीर भी अभी बेजान पड़ा है, वो शरीर भी छोड़ के गया। अभी आज 1 बजे कुछ ही समय बाद उनका दाह संस्कार करेंगे, वो भी जलाएंगे, राख बनाएंगे। राख होके जो अस्थि बचेगा ना उसको भी पानी में बहा देगा या उसको भी जमीन में दफना देगा। लोग क्यों पाप करते हैं? वही धन संपत्ति के लिए लोग क्यों पाप करते हैं? वही परिवार अपने के लिए लोग क्यों पाप करते हैं? अपने शरीर के लिए। और इसका सत्यता देखो, सारा का सारा छोड़ के जाना है, सब के सब अनित्य है और इसके लिए हम पाप कर रहे हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरण सती, मरना ये बात हमेशा याद रखो, अनित्य भाव को समझो ताकि कोई पाप कर रहे हैं तो समझो मैं पाप कर रहा हूं। ये पाप करके कमाया हुआ धन संपत्ति हमेशा साथ में नहीं रहेगा, परिवार साथ में नहीं रहेगा, मैं भी हमेशा नहीं रहूंगा। जब मरूंगा तो एक ही लेके जा पाऊंगा, कर्म जो मैंने किया हुआ कर्म है वही साथ आएगा। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम के साथ जाएंगे, बुरा कर्म करते हैं तो बुरे परिणाम के साथ जाएंगे। तो मरने वाले ये जीवन में क्या ही लेके जाना है, तो पुण्य ही करेंगे, धम्म ही करेंगे। कभी कभी हम घूमने जाते हैं ना, बुद्धगया जाते हैं ना, बुद्धगया जाएंगे तो बुद्धगया में हम 2 दिन रह के वहां पूरा घूमेंगे, तो वहां धर्मशाला में रुकेंगे। अब धर्मशाला में आप लो, आप दोनों एक रूम में रहो, आपके परिवार ये रूम में रहो, हाँ आप अकेले ये रूम में रहो करके सबको एक 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 कमरा देंगे तो क्या ये तो मेरा कमरा है हाँ करके एकदम आसक्ति के साथ इसमें मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, ऐसे रैक रखूंगा, ऐसे टीवी रखूंगा, ऐसा सोच के बैठते हैं क्या? बैठते ये मेरा है ऐसा आसक्ति करके बैठते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पता है वहां सिर्फ 2 दिन ही रुकने वाले हैं, 2 दिन सोना है फिर निकलना है, पता है। वो धर्मशाला ऐसे कितने वहां आते रहेंगे कितना जाते रहेंगे, हमारे जीवन में भी वैसे ही है। हम जिस घर में रह रहे पहले कोई और रहता होगा, हमारे बाद कोई और रहेगा और उसके लिए हम ये मेरा घर, ये मेरा संपत्ति, ये मेरा माजा मेरा करके इतना परेशान होके बैठते हैं, इतना अकुशल करके बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं पावय मरण सती, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय ऐसे ही धर्म सभा में बहुत सारे भिक्षुगण को जमा करते हैं और पूछते हैं भिक्षुओं क्या अनित्य भाव कर रहे हैं ना, मरणानुस्मृति भाव कर रहे हैं ना? तो उस समय सारे भिक्षुगण कहते हाँ भगवान हम अनित्य भाव कर रहे हैं, भगवान हम मरणानुस्मृति भाव कर रहे हैं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं अच्छा ठीक है तो बताओ किस तरह से मरणानुस्मृति भाव कर रहे हैं, किस तरह से अनित्य भाव कर रहे हैं? तो उस समय एक समूह के भिक्षु वो कहते हैं भगवान हम इस तरह से अनित्य भाव कर रहे हैं, इस तरह से मरणानुस्मृति भाव कर रहे हैं, जैसे कि 1 दिन के अंदर, दिन और रात 24 घंटे के अंदर हम मर सकते हैं, ये जिंदगी खत्म हो सकते हैं। इस तरह से हम सजग सचेत होके अच्छे धम्म साधना कर रहे हैं, अनित्य भावना कर रहे। तथागत बुद्ध कहते ठीक है,
दूसरे समूह को पूछते हैं, आप लोग कैसे अनित्य भावना कर रहे हैं? वो लोग कहते हैं, भगवान हम इस तरह से अनित्य भावना कर रहे, इस तरह से मरणानुस्मृति भावना कर रहे कि जैसे कि ये दिन भर में भी हम मर सकते हैं, ये दिन भर में भी हमारा जिंदगी जा सकते हैं, या रात भर में भी हमारा जिंदगी जा सकते हैं, बस इस तरह से मतलब दिन भर का ही ये जिंदगी है, इसलिए खूब सजग सचेत होके पुण्य करना है, धम्म साधना करना है, इस तरह से अनित्य भावना कर रहे हैं, इस तरह से हम मरणानुस्मृति भावना कर रहे हैं। तथागत बुद्ध कहते ठीक है। फिर तीसरे समूह से पूछते हैं, आप लोग कैसे अनित्य भावना कर रहे हैं? तो वो भिक्खुगण कहते हैं, भगवान हम तो जैसे एक भोजन खाते हैं ना, अभी एक बार खाना खाने को कितना समय लगेगा? कितना? 10 मिनट, आधा घंटा है ना। जितना वो भोजन खाने तक का समय लगता है, उतने समय के अंदर भी हम मर सकते हैं, ये जीवन खत्म हो सकते हैं। इस तरह से सजग सचेत होके हम धम्म साधना कर रहे हैं, हम अनित्य भावना मरणानुस्मृति भावना कर रहे हैं। तथागत बुद्ध कहते ठीक है। फिर चौथे समूह से पूछते कि आप लोग कैसे अनित्य भावना कर रहे हैं? तो वो भिक्खुगण कहते हैं, भगवान हम एक निवाला खाते समय जितना समय लगता है, उतने में भी हम मर सकते हैं, ऐसा याद करते हुए हम अनित्य भावना कर रहे हैं, मरणानुस्मृति भावना कर रहे हैं, उतने समय में भी ये जीवन खत्म हो सकता है, इस तरह सोचते हुए हम धम्म साधना कर रहे हैं। तथागत बुद्ध कहते ठीक है। फिर पांचवे समूह से पूछते हैं, आप लोग कैसे ये अनित्य भावना कर रहे? फिर वो भिक्खुगण कहते भगवान हम तो एक श्वास लेते समय वो बाहर नहीं गया तो भी हम मर सकते हैं, या जो बाहर गया हुआ श्वास अंदर नहीं आया तो भी मर सकते हैं, ऐसे एक एक श्वास में हम अनित्य भावना कर रहे हैं, हम मरणानुस्मृति भावना कर रहे हैं, एक श्वास के अंदर भी हम मर सकते, इतना संवेग उत्पन्न करते हुए सजग सचेत होके हम अनित्य भावना कर रहे हैं, मरणानुस्मृति भावना कर रहे हैं। तो पांच समूह को तथागत बुद्ध ने पूछा। फिर तथागत बुद्ध जो दिन भर रात भर दिन रात उतने में भी मर सकते हैं, ऐसा अनित्य भावना करने वालों का प्रशंसा नहीं करते, एक ही दिन में या एक ही रात में भी मर सकते हैं, ऐसा अनित्य भावना करके धम्म साधना करने वाले भिक्षुओं का, उन लोगों का भी प्रशंसा नहीं करते, जो एक भोजन खाते समय जितना समय लगेगा उतने समय तक में भी मर सकते हैं, ऐसा अनित्य भावना मरणानुस्मृति भावना करने वाले वो भिक्खुओं को भी प्रशंसा नहीं करते। बाकी रहा एक समूह भिक्षु जो एक निवाला खाते समय भी मर सकते हैं, ये जीवन का अंत हो सकते हैं, ऐसा अनित्य भावना करने वाले मरणानुस्मृति भावना करने वाले ऐसे भिक्षुओं का तथागत बुद्ध प्रशंसा करते हैं। और पांचवा समूह जो कहते हैं एक श्वास लेते समय भी हम मर सकते हैं, श्वास अंदर गया वो बाहर नहीं आए तो मर जाएंगे, जो बाहर गए वो अंदर नहीं आए तो मर जाएंगे, एक श्वास के अंदर भी हम मर सकते हैं, ऐसे अनित्य भावना करने वाले मरणानुस्मृति भावना करने वाले भिक्षु समूह का भी तथागत बुद्ध प्रशंसा करते हैं। और बुद्ध कहते हैं, साधु साधु साधु, इसी तरह अनित्य भावना करना चाहिए,
इसी तरह मरणानुस्मृति भावना करना चाहिए। पांच तरह के समूह अनित्य भावना करने वाले कौन कौन सा है? पहला कौन सा समूह? दिन रात में भी मर सकते हैं करके अनित्य भावना करने वाले। दूसरे समूह एक दिन या एक रात, मतलब 12 घंटे के अंदर भी मर सकते हैं ऐसे अनित्य भावना करने वाले। तीसरा समूह एक छाप, एक खाना, एक भोजन खाते समय भी मर सकते हैं ऐसे अनित्य भावना करने वाले। चौथा समूह एक निवाला खाते समय भी मर सकते हैं ऐसे अनित्य भावना करने वाले। और पांचवा समूह एक श्वास के अंदर भी हमारी जीवन खत्म हो सकता है, मर सकते है करके अनित्य भावना करने वाले। और तथागत बुद्ध ने किन को प्रशंसा किया? एक श्वास लेते समय भी मर सकते हैं ऐसा अनित्य भावना करने वाले, और दूसरा एक निवाला खाते समय भी मर सकते ऐसे अनित्य भावना करने वाले। मतलब जितना हम जीवन को कम समझेंगे उतना हम संवेगदायी होके, इतना सजग सचेत होके हम पुण्य कर पाएंगे, तम साधना कर पाएंगे। अगर सोचेंगे और 50 साल जीना है तो अभी क्यों पुण्य करेंगे? करेंगे ना, अभी 40 साल और मजे करेंगे, बाकी के 10 साल हम करेंगे ना पुण्य, और 10 साल भी आ गया तो और 9 साल मजे करेंगे। एक साल तो है ना, और एक साल बाकी रहा तो 365 दिन में 300 दिन मजे करेंगे, 65 दिन है ना। और पता चला एक ही दिन बचा है तो आधा दिन मजे करेंगे, आधा दिन पुण्य करेंगे, है ना। हमें कम से कम जीना है, हमें कम से कम समय में ही मरना है, ये बात याद करेंगे तो बहुत ही सजग सचेत होके हम पुण्य करते रहेंगे, धम्म करते रहेंगे। पर याद रखिए, कम जिए या ज्यादा जिए, हर किसी को मरना ही है। कम जिए या ज्यादा जिए, तथागत बुद्ध वो उम्र के हिसाब से प्रशंसा नहीं करते। कम भी जिए जो धम्म पूर्वक जिए, ज्यादा जिए जो अधम्म पूर्वक जिए, तो तथागत बुद्ध कम जीने वालों का ही प्रशंसा करेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं ना, 100 साल तक जिए पर धम्म को न देख के, धम्म को न जान के, धम्म को न अभ्यास करते हुए जिए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। जितना जिएंगे उतना पाप ही करेगा, अपने लिए अभिशाप बनेगा। मगर एक दिन भी जिए मगर धम्म को जानकर जिए, धम्म को देखकर जिए, धम्म को अभ्यास करके जिए तो वही जीवन श्रेष्ठ है। क्योंकि जितना जिएंगे अपने लिए वरदान साबित होगा, पुण्य करता रहेगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना है, और हमेशा हमेशा ये जीवन अनित्य है, हमें मरना है, ये बात याद करते करते पाप से दूर रहना है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। जब तक ये जीवन है इतना पुण्य करे, इतना धम्म करे कि हम सुगति जा पाए, हम दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए वो पुण्य संचय कर पाए, वो कम्म बना पाए, और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये जीवन को, जो दुर्लभ जीवन है, अमूल्य जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन को भी सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतो सब मंगलं। बोलिए साधो साधो साधो। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जो दिवंगत हुए काल कथित पूजनीय भदंत सुगत बुद्धि महाथेरु भंते जी को सुगति प्राप्त हो,
दुखमुक्ता निर्वाण प्राप्ति हो, और वो निर्वाण प्राप्ति के लिए हमने जो पुण्य किया ये पुण्य हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन 3 बार साधु साधु बोलिए। सबेति यो विवाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवत्वान्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितां पापितां दुह्यं किमेव समेजतु सापे पुरेन्दु चितसङ्कपचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पाति सर्गसम्पातिमेव च अथो निब्बानसम्पाति इमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि तमं नमामि संगं नमामि अहं वंदामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु, साधु, साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तमं नमामि, तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।